तो गाइस डी मार्ट आ चुके हैं एंड चलते हैं अंदर, करते हैं शॉपिंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारी घिसाई और सारा काम पत्थर का फाइनल हो जाएगा। आज भैया आ गए, कल नहीं आए थे, कल छुट्टी मार ली थी इन्होंने, गोली दे रहे थे भैया 2 दिन से हमें। आज हो जाएगा काम फाइनल, पॉलिश वगैरह सब आ चुकी है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, इधर लगाया है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये बाद में सूख जाएगा थोड़ी। अच्छा पानी डालोगे? चलो आज काम फाइनल हो जाएगा। तो गाइस घिसाई और पॉलिश तो कंप्लीट हो चुकी है और आज ना हम अपना वॉश बेसिन लगाएंगे। यार ये ना तेजाब कह रहा हूँ, मतलब पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, तो इसको भी साफ़ करेंगे। और अंदर ना वॉश बेसिन हमारा इधर पड़ा है, लाइट अभी आने की तो दिखेगा नहीं, इस वॉश बेसिन को भी आज यहाँ पे फिट करने वाले हैं। मेरा नाम है ऑलराउंडर विकास सिंह, काम करता हूँ मैं सारे, क्योंकि आते हैं मुझे सारे, वॉश बेसिन लगाते हैं, बातें करेंगे बात। तो गाइस वॉश बेसिन लग चुका है और दिखा देता हूँ मैं कैसे लग रहा है। ये तो मेरे पीछे बढ़िया लग रहा है ना, एकदम जैसा था बिल्कुल से एज इट इज़ ऐसे ही लगा दिया। बस ना इसका एक पेच ढीला हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा हिल रहा है, पर वो मैंने पेच भी लगा दिया, तो अब एकदम ओके फाइनल रिपोर्ट होगी। देखो पानी भी एकदम बढ़िया आ रहा है, वैसे पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लगभग मैंने 100 ग्राम पानी वेस्ट कर दिया। बाल अजीब से कर दिए यार उसने ना, सही नहीं करे, ठीक है पर अच्छे लग रहे हैं बस। तो गाइस इतने दिन हो गए यार, लेकिन अभी तक हमारा ना कंप्यूटर नहीं लगा, तो आज हम सोच रहे हैं कि अपना कंप्यूटर लगवाते हैं। और कंप्यूटर के लिए ना हमें टेबल लगवानी पड़ेगी। और ये देखो मेरी बेवकूफ़ी देख रहे हो, मैंने 3 जगह फास्टनर लगाया और तीनों में से कोई भी काम नहीं करा, ना वो ना ये। और हमारे चाचा जी का लड़का ना रोज आता है बेचारा कंप्यूटर चलाने, पर चला ही नहीं पाता। क्या हुआ मम्मी? पता आज मैंने ना खाना नहीं खाया। हाथ ना लगाऊं? आज मत लगा। नहीं मम्मी, अरे यार तू कंप्यूटर तो चल, जितनी कह कर उतनी माने कर तू। नहीं मम्मी, कंप्यूटर पे तो काम करना। दाल वाले आ जा, कहाँ जा रहे? मॉल। अच्छा चलो गाइस मॉल चलते हैं, सामान लेके आते हैं, घर का राशन वगैरह जो भी खत्म हो रहा है ना। गाइस अब चलते हैं घर का राशन लेने, मैं और मम्मी। मम्मी इज रेडी, लाओ चाबी दो। यार मम्मी ये सब यहाँ क्यों टांग रखा है यार? अब इतनी तो धूप हो रही है यार, चाबी कहाँ टांगेगा आदमी, बताओ। हाँ रोटी पोटी सब पता ना क्या क्या टांग रखा। क्या कह रही दीदी? क्या कह रही है? ले ले। क्या लाना है बताना? आ जल्दी। कुछ लाना है क्या? चॉकलेट? अरे ले आएंगे, तूने बड़ी टेंशन ली। कौन सी चॉकलेट खाएगी बता? हम लेके आएंगे तेरे लिए चॉकलेट। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। चल चलते हैं। अरे भाई साहब पहले आप निकल जाओ, इन्होंने टक्कर मारी तो बचेंगे भी ना हम। आओ मम्मी, कहाँ घूमते रहो ताऊ जी, घर पे कल ना लगे तुम्हारी। बाल कटवाया आज? अभी तो आया हूँ। अच्छा आज तो पेंट नहीं मार ली? अच्छा हाँ ये तो है। तो गाइस डी मार्ट आ चुके हैं एंड चलते हैं अंदर, करते हैं शॉपिंग। चलो क्या क्या लेना मम्मी, लिस्ट बना रखी है? लिस्ट विस्ट कुछ नहीं है, वहीं देख के लेंगे क्या क्या लेना। यार मुझे फेस वॉश भी लेना, बट मैं इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कौन सा लूँ। मैं सोच रहा हूँ एक एक दोनों ही ले लेते हैं, फेस वॉश तो काम आते ही रहते हैं। मम्मा तो बस डब्बे देखती रहती हैं यार, पता नहीं क्या क्या करोगी इतने डब्बों का है। ले तो लिए, 3-4 डब्बे ले लिए। ज़्यादातर शॉपिंग तो हो चुकी है, बस थोड़े से ना कप वगैरह देख रहा हूँ, कोई बढ़िया से कप। वैसे ना मुझे ये वाले पसंद आए हैं,
और एक दो और पसंद आ रहे हैं, और उधर मम्मा भी कपी देख रही हैं। क्या मम्मा, ये शॉर्ट्स के लिए है, आप शॉर्ट्स वगैरह पीती नहीं हो, क्या फ़ायदा, ना आप पीती ना पापा जी पीते ना हम पीते, क्योंकि हम हैं सत्संगी आदमी, देखते हैं कप वगैरह ले लेते हैं, देख लो। तो गाइस शॉपिंग तो हो चुकी है, बस बिलिंग के लिए खड़े हुए हैं, बिलिंग के लिए लग रही है लाइन, लगभग 4-5 लोग हैं। और डीमार्ट में ना यही सबसे बड़ा डीमेरिट लगता है कि बिलिंग के लिए खड़ा रहना, ऐसे सामान लगा तो रखेंगे पीछे, तो बस। अरे यार काउंटर पे है ही नहीं कोई। अब आइसक्रीम लिए तो मम्मी के साथ बैठ के आइसक्रीम खाते हैं और फिर बाद में सामान को बैग में डालेंगे और चलेंगे घर। अब फेंक दो, बिल का क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। गाइस सही कहते हैं, मम्मी ना बहुत समझदार होती हैं। पता है क्या, हमने जो कप लिए थे ना इनके टूटने का डर था, मम्मी ने बोला डब्बे में डाल ले, मम्मी डब्बे में आ गया भाई, आ गया। मम्मी आप तो बहुत समझदार हो यार, अब दोनों डब्बे में आ जाएगा, टूटेगा भी नहीं और सही भी रहेगा। हाँ गाइस शॉपिंग तो हो चुकी है, अब चलते हैं घर पे, और घर पे चलते हैं। और पता है क्या, मेरे से ना पर्ची हो गई है पार्किंग की, तो देखते हैं भैया क्या कहते हैं, जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। भैया पेटीएम करूंगा मैं, नहीं कैश नहीं है, अंदर खर्च हो गए सारे कैश। भैया ये रखवा देना जरा बैग, बैठ गए दोनों तरफ पैर करके बैठना। हैं सही बैठे हो ना आप, चलो। गाइस घर आ चुके हैं, एंड पता है क्या, मैं डी मार्ट से ना कंघा लेके आया था ये वाला, और देख रहे हो डमरू कह रहा मेरे को दिखाना, डमरू के देख कितने सारे बाल है, ले काट। ये क्या हो रहा है तेरे सर पे, चोट लग रही है, लिपस्टिक किसने लगाई सर पे, पता ही नहीं। कैसे क्यों नहीं पता, दे आराध्या के बाबू ऐसे नहीं दबाते, इसे ऐसे काटते हैं, तेरे बाल फैल जाएंगे, वो लग रही है क्या रबर बैंड। हाँ बाद में काटूंगा बाल, ठीक है। हाँ बोलो बोलो विकास भैया, विकास भैया चलो खेलने, क्या खेलोगे, चलो बाहर चलते हैं सबके साथ बैठेंगे। चलो भाई अब किचन का सामान सेट कर देते हैं, अभी यहीं रख दूँ। अच्छा हाँ चलो बाद में मिलते हैं आपसे, सामान वगैरह निकाल लें। गई सामान तो कुछ सेट करानी, सामान तो ऐसे ही बिखरा पड़ा है, भूख लग रही है, और डिनर करते हैं, देखते हैं पता नहीं क्या है डिनर में, घी डाल दो दीदी मेरे में। तो गाइस डिनर में है आज दाल चावल, एंड पता है क्या, हम डी मार्ट से ना नमकीन लेके आए थे, और विवेक भैया ने मेरे को सिखाया कि ये नमकीन ना दाल चावल में डाल के खाते हैं तो क्रंची क्रंची से और बढ़िया लगती है, तो डिनर करते हैं। तो गाइस डिनर हो चुका है, एंड इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ।